हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभाग ज्ञान पाठशाला में। देखिए, जो लोग हिंदी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं वो डाक सेवक बन चुके हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। क्योंकि जो मैंने आपको पिछली बार अपडेट दी थी, अभी 2 दिन पहले की बात है, कि उसमें ऐसे अभ्यर्थी जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं वो डाक सेवक बन चुके हैं, उनसे संबंधित ये खबर छपी थी और ये दोबारा खबर छपी है, उनकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ऐसे अभ्यर्थी देखिए जिसके 98 नंबर भी हैं, लेकिन वो लिखना पढ़ना या परसेंटेज निकालना या गुणा भाग करना नहीं जान रहे हैं, और उनको उसमें गणित में या मैथ में उनको 98 नंबर आ रखे हैं 100 में से, तो ऐसा भी उनकी जांच होने की बात कही गई है। क्योंकि उनकी जांच होना अनिवार्य है, जो लोग जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं जान रहे हैं और 98 नंबर लेकर बैठे हैं, तो वो कैसे डाक सेवक बन गए और उनके नंबर इतने कैसे आ गए, ये फर्जीवाड़ा सामने आने की संभावना है कि इसमें ऐसे लोगों को डाक सेवक बनाया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है, देखिए उनकी जांच मांगी गई है और जांच होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इसमें कहा गया है कि उनकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जिसकी रिपोर्ट उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजी जाएगी। डाक विभाग में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण डाक सेवकों के भर्ती चल रही है। 10वीं के अच्छे अंकों के आधार पर बाहरी राज्यों के युवा उत्तराखंड के डाकघरों में भी नौकरी पा रहे हैं। कुछ डाक सेवक ऐसे आ रहे हैं जिनको हिंदी लिखना बोलना नहीं आ रहा है। कुछ अभ्यर्थियों के गणित में 100 में से 98 अंक हैं, लेकिन उनको प्रतिशत निकालना तक नहीं आ रहा है। लिहाजा डाक विभाग ने सभी डिवीजनों से में से अभ्यर्थियों की रिपोर्ट तलब की है, ऐसे उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजा जाना है। देखिए, जिसे कहाँ भेजा जाना है, उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजा जाना है, उनकी जाँच होगी। आगे इसमें कहा गया है, देख लेते हैं। वर्ष 2016 तक डाक सेवकों की भर्ती डिवीजन स्तर पर होती थी, इसके बाद से भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर हो रही है, जिसमें देश भर के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करता है और ऑनलाइन 10वीं के अंकों के आधार पर चयन होता है, जिसे डिवीजन के लिए चयनित किया जाता है। वहां प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग कराई जाती है। उत्तराखंड में पाने के बाद, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में नौकरी पाने के बाद करवा रहे हैं ट्रांसफ़र। ग्रामीण डाक सेवकों के पद चयनित होने के बाद बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी 1 साल बाद अपने राज्यों में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवकों को 12 से 15 हज़ार रुपये वेतन मिलते हैं। नियमानुसार नौकरी पाने के 1 साल बाद वे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यह ये लोग 1 साल बाद ही ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने यूपी से जहाँ से भी इन्होंने किया है ये कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हमारे राज्यों में कर दिया जाए, आवेदन कर रहे हैं। 12 से 15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड के डाकघरों में डाक सेवकों के पद खाली हो रहे हैं। देखिए, कहा गया है इसमें अभ्यर्थियों के खिलाफ केस भी दर्ज है, कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, क्योंकि वो लोगों ने यहाँ पर साफ साफ कर रखा है। बलोनी और भी लोगों ने कहा है कि देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में बाहरी प्रदेशों में के डाक सेवक की नियुक्ति का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। गढ़वाल सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने कहा है कि शुक्रवार को इस मामले पर केंद्रीय डाक संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से टेलीफोन पर वार्ता की गई और दुर्गम क्षेत्र में स्थानीय बोली भाषा की जानकारी जानकारों को ही तैनाती देने का आग्रह किया। पिछले दिनों डाक विभाग की तरफ से ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्तियाँ की गई थी। देखिए, पिछले कब कह गई थी ये, आपके पिछले दिनों डाक विभाग की तरफ से ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की भर्तियां की गई थी। चमोली के दुर्गम क्षेत्रों में हरियाणा पंजाब के साथ ही आदि प्रदेशों के डाक सेवकों की नियुक्तियां की गई थी। इनमें कई तो हिंदी से क्या करते हैं, हिंदी में भी नहीं जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, कुछ भी अभिषेक नहीं जानते हैं। यहाँ कहा गया है हिंदी के ठीक तरह से जानकार नहीं है। आगे कहा गया है नहीं है, ऐसे में डाक वितरण व्यवस्था सवालों के घेरे में आ सकती है। बलूनी ने केंद्रीय मंत्री को बताया है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी विषम हैं, लोग आम बोलचाल में स्थानीय बोली भाषा को ही वार्ता देते हैं। दूसरे प्रदेशों के डाक सेवकों की ऐसे स्थानों पर तैनाती से व्यवस्थाएँ पटरी से उतर सकती हैं। बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस समस्या का समाधान निकालने का वादा किया है। ये देखिए, यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि ऐसे अभ्यर्थी
जिन्हें सही से लिखना पढ़ना भी नहीं आता है वो भी यहाँ पर चयनित हो गए हैं और उनके 98 नंबर मैथ में हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कैसे इनका चयन हो गया, खाली परसेंटेज देख कर चयन हो रहा है इसमें, और आपके प्रमाण पत्र सत्यापन अभिलेख हो रहे हैं, उसी के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जा रही है। जो लोगों ने ऐसे किया है कोई गलत तरीके से या फर्जी तरीके से, उनके नंबर अच्छे हैं, और जो लोग मेहनत करके लाए हैं उनकी सेकंड डिवीज़न है, जिनके 50% मार्क्स हैं या फिर 50 से कम मार्क्स हैं या फिर 55% है, 60% है, उन लोगों को इसमें नंबर आ ही नहीं रहा है। तो ये ऐसे अभ्यर्थी बहुत परेशान होते हैं, सर हमारा नंबर नहीं आया। तो देखिए, ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी, इसमें कुछ अगर कार्रवाई होती है तो आपको सामने आ जाएगी, आपको इससे सूचना संबंधित मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।